जब इन्होंने एडमिशन लेने आई थी, पहले दिन मैं ट्रेनिंग करा रहा था ग्राउंड पे, तो इन्होंने हमको फोन किया और मेरे ग्राउंड का जगह पे नहीं पाई। जब ये जगह नहीं पाई वापस चली गई, मतलब जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करा रहा था वो खोजी दाएं भाई, वो पाई नहीं, तो ये वापस चली गई। जब वापस चली गई तो फिर मैं आपको बताने की बात को, फिर रात में लगभग जब मैं फ्री हुआ, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा थी उस समय जब मैं ट्रेनिंग कराता था, तो उस समय बच्चे बहुत ज्यादा थे। जब बच्चे ज्यादा थे तो इतना समय नहीं होता कि हर बच्चे फोन पर बच्चों से बात कर लो, तो मैं इनसे ज्यादा बात नहीं कर पाया। इधर उधर बात बाबा मेरे को फोन करती थी और मैं अपने ट्रेनिंग में व्यस्त था। तो फिर इन्होंने जब कलर ग्राउंड पाई नहीं तो वापस चली गई। जब वापस चली गई तो मुझे क्या एहसास हुआ कि बच्चा वापस, मैं जान गया कि बच्चा एडमिशन लेने आया और ये वापस चली गई। फिर मैंने क्या किया, रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास मैंने मोबाइल से नंबर निकाला और मैंने नंबर निकाल के इनको कॉल किया। तो जब इनको कॉल किया तो आपको बता दें इन्होंने, इनको पता भी नहीं था कि मैं कॉल कर रहा था, ये हमसे कह रहे हैं आप मुझको क्या जानते हो, तो आप तो ये है वो है, तमाम बातें हमको सुनाई, आपको बता रहा हूँ इन्होंने हमको तमाम बातें सुनाई। लेकिन हमने इनको बताया कि नहीं, ऐसी बात नहीं थी, मैं ट्रेनिंग करा रहा था इसलिए नहीं फोन उठा पाया। फिर इन्होंने अगले दिन ये नाराज होकर वापस चली गई, ये भी आपको बता दें, ये काफी गुस्से में थी, लेकिन मैं काम करते करते मुझे पता हो जाएगा ये नाराज हो गई है, ये ट्रेनिंग एडमिशन लेने आई थी लेकिन फिर भी चली गई। फिर मैंने इनको कॉल किया, फिर बुलाया, मैंने कहा कल आई, फिर अगले दिन ये आई, देखो ये ट्रेनिंग थी और देख लो अपने आप लोग के सामने ये बस्ती से मिलने मेरे पास आई है। एक समय था कि इन्हें वापस चली गई, लेकिन मैंने इनको बुलवाया रात में, मैंने सही बोला ना, मैंने फोन किया था ना, देखो इनको फोन किया था, इनको पता भी नहीं था, बताइए लगातार मेरे पास कितनी कॉल आ रही थी, इनको फिर पता नहीं, ये तो ये हमसे ये भी कही आपको क्या पता मैं कौन हूँ, क्योंकि आपका तमाम कॉल आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर बच्चे को मैं ध्यान देता हूँ, कौन बच्चा आया, क्या बोल के गया, क्या नहीं, अब अलग बात है मेरे भी कुछ दायरे होते हैं, मैं उसको बोलना नहीं चाहता हूँ। आज भी इनकी बात को मुझे याद है। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि सर के आशीर्वाद से और ट्रेनिंग से मैंने अपना व्यस्त टाइम जो मेरा हुआ था यूपीएसआई की रनिंग, उसमें मैंने अपनी रनिंग 12 मिनट के और 9 सेकंड में कंप्लीट किया था। ये सब सर की ट्रेनिंग से ही हो पाया, मेरा तो टाइम आ जाता था बट इतना व्यस्त में नहीं दे पा रही थी, जो भी हुआ सर के कारण से हुआ, उसके लिए मैं सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ।